नमस्कार, बीएस क्राइम इंडिया न्यूज की ओर से मैंने हमिश्रा मोहम्मद तनवीर की खास खबर पर एक नजर। सवर्णों को आर्थिक आधार पर आरक्षण का विरोध शुरू। केंद्र सरकार द्वारा सवर्णों को आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण का विरोध शुरू हो गया है। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आज संविधान बचाओ संघर्ष समिति द्वारा सवर्णों को आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण दिए जाने को लेकर एक बैठक की गई, जिसमें RJD, आम आदमी पार्टी, जिग्नेश और राजेंद्र पाल गौतम के साथ संजीव जावा और फरहान अंजुम के साथ कई लोगों ने भाग लिया। इसमें केंद्र सरकार द्वारा आर्थिक आधार पर सवर्णों को 10% दिए गए आरक्षण का विरोध किया और केंद्र सरकार पर सवर्णों को गुमराह करने का आरोप लगाया। राजेंद्र पाल गौतम मंत्री, आम आदमी पार्टी सवर्णों को 10% आर्थिक आधार पर दिए गए आरक्षण पर सवाल उठाते हुए कहा कि 8 लाख तक की इनकम वाले कहां से गरीब है। केंद्र सरकार ने चुनाव को देखते हुए ये फैसला किया है। देश के संविधान के साथ हम छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम ईंट से ईंट बजा देंगे। वहीं मजदूर कर्मचारी संयुक्त संगठन से संजीव जावा भी विरोध जताते हुए बीजेपी सरकार के खिलाफ आंदोलन करने का ऐलान किया है, जिसकी शुरुआत 11 फरवरी को दिल्ली के जंतर मंतर से होगी। इस आंदोलन में सोई हुई सरकार को नींद से जगाने की कोशिश की जाएगी। 10% जो आरक्षण दिया गया है वो उन स्वर्ण जो गरीब स्वर्ण है उनको ना देके, क्योंकि जो 5% जो लोग हैं उनको तो मोदी जी ने 8 लाख से दायरे में लेके आ गए, तो 5% रह गया कितने, 95%। तो 95% को मोदी जी ने दे दिया 10%, और जो 5% जो लोग हैं वो आगे उनके मित्र जो उद्योगपति हैं 5% उनको दे दिया। तो ये कुल मिला के उन गरीब दबे कुचले स्वर्णों का भी शोषण हुआ है, जिसका हमने विरोध किया। सोशल जस्टिस के बैनर तले आज हमारे कुछ पार्टियां भी उनको समर्थन कर रही है, उसके अंदर ही आज कार्यक्रम था ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अंदर, जिसका ये विरोध प्रदर्शन है और हम विरोध कर रहे हैं इसका। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो ओबीसी या अगर तथा उसमें से नहीं दिया, बल्कि अलग से संशोधन संविधान में किया गया, उसके बाद 10% आरक्षण दिया गया। देखिए, इनका कहीं हक नहीं मारा गया है? नहीं, हक तो सभी का मारा जा रहा है। संशोधन तो संविधान तो बहुत पावरफुल लिखा हुआ है, पूरे विश्व में उसकी चर्चा है, पूरे विश्व में विख्यात है भारत का संविधान। उसमें संविधान में संशोधन की जरूरत ही नहीं थी, तो फिर संविधान को छेड़ने की जरूरत क्या थी। ये कुल मिलाकर जो है एक धोखा दिया गया है। जो शेड्यूल कास्ट है उनके साथ तो धोखा हो ही रहा है, लेकिन जो स्वर्ण लोग हैं हमारे उनके साथ ज्यादा बड़ा धोखा हुआ है। और जिसके जो लोग, हमें सबको ये बात समझ में आती है कि कुल मिलाकर बीजेपी और मोदी सरकार जो उनकी एनालाइज है वो केवल और केवल गरीब और दबे कुचले और शेड्यूल कास्ट और अनुसूचित पिछड़े वर्ग के विरोधी है। जो फैसला लिया गया था, क्या लगता है वो चुनावों को देखते हुए नहीं लिया गया था? बिल्कुल बिल्कुल, ये सिर्फ 2019 की रणनीति है कि स्वर्णों को अपने पक्ष में लेना और अनुसूचितों को बताना कि हम आपके पक्ष में है। ये सिर्फ 2019 की रणनीति है। क्या लगता है कि सर आप लोग इसको लेकर आंदोलन की तैयारी करेंगे? पूरी करेंगे। जो संविधान से छेड़छाड़ करेगा हम उसके आंदोलन की वजह से लड़ाई भी लड़ेंगे और उसको ईंट से ईंट बजा देंगे। संविधान को छेड़छाड़ नहीं करने देंगे। जब क्या जरूरत पड़ी थी 10% आरक्षण देने की और विशेष स्तर बुला के और एक दिन में उसका फैसला ले लिया गया। लेकिन इसमें सारी पार्टियां भी तो शामिल थी, बहुत सारी पार्टियां थी जिन्होंने समर्थन किया, कांग्रेस भी थी। देखिए, इसमें सारी पार्टियां जो थी उसमें कांग्रेस थी, लेकिन जो आज 15 पार्टी यहाँ पे जो समर्थन में आई है, तो इसका मतलब वो पार्टी तो नहीं थी ना, उनकी राय क्यों नहीं ली गई? आम आदमी पार्टी की तरफ से संजय सिंह जी ने बहुत विरोध किया था राज्यसभा के अंदर, माननीय राज्यपाल गौतम जी ने बहुत विरोध किया। आज आम आदमी पार्टी की तरफ से हम भी आए हुए और हमारे राज्यपाल गौतम जी आए हुए, हम अपनी पार्टी का समर्थन देते हैं इसको, ये गलत हुआ है। संविधान के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। इससे पहले भी शायद आपके नॉलेज में होगा, हम 2 अप्रैल को हमारा इसी में आंदोलन हुआ था, संविधान में छेड़छाड़ की गई थी और सिर्फ बीजेपी की तरफ से की जा रही है। इससे पहले कोई पार्टी ने संविधान में छेड़छाड़ नहीं करी है। ये जुमलेबाजों की पार्टी है और ये जुमला डाले जा रहे हैं पब्लिक के अंदर, भ्रमित किए जा रहे हैं लोगों को, करना इन्होंने कुछ भी नहीं है। लेकिन बहुत सारी पार्टियों ने संसद में इसका समर्थन किया, तभी बिल पास हुआ था, क्योंकि लोकसभा के बाद राज्यसभा में बहुमत तो है नहीं, लेकिन राज्यसभा में बहुत सारी पार्टियों ने इसका समर्थन किया था। सर बिल का पास कर रहा था, लेकिन अब विरोध भी पार्टियों जो विरोध में पार्टियां आई हमारी उनकी तरफ से भी आज एक मीटिंग करी गई है, जो हम नहीं चाहते कि ऐसा संविधान का छेड़छाड़ की जाए। ठीक है, प्रधानमंत्री जी ने हमें दिया है, हमें वो एक तरह से शक्ल के रूप में दिया है, पर जो संविधान कहता है, जो संविधान के अंदर लिखा है, आज उस चीज को क्यों नहीं सामने लाते हैं?
लेकिन संविधान में जो था उन्होंने संविधान में जो ओबीसी या एससी एसटी था उसमें तो उन्होंने नहीं करके बल्कि 10% अधिक वो कर 10% का 10% का वो उसको आप जो इंक्लूड करके देखें तो उसमें किसी को भी कुछ नहीं मिल रहा है। जो 85% की आबादी है जो ओबीसी है माइनॉरिटी है एससी एसटी है उसकी बात करें जो 85% है आज हम लोग उसका जो हक है हमें वो चाहिए। मैं आपका ये कहना है कि माइनॉरिटी को भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए। जी बिल्कुल चाहिए मैडम इधर जी। तो वो आप लोग आर्थिक आधार पर मांगेंगे या कैसे मांगेंगे? हम अभी तो छोटी छोटी मीटिंग्स हमारी चल रही हैं। हम उसके बदौलत या उसके जो हमारी सुनवाई अगर नहीं हुई तो फिर हम लोग बड़े आंदोलन के पत्र भी जा सकते हैं। पार्टी से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है बावजूद इसके भी आप इस आंदोलन में हिस्सा ले रही हैं, क्या आप सोशल वर्क करती है और क्या चाहती है इस आंदोलन में किस तरह जुड़ी है? पार्टी से तो बाद में जुड़ी हूँ, पहले सबसे पहले मैं जो हूँ हिंदुस्तान की एक नारी हूँ, भारत की नारी हूँ और मैं सभी के लिए ये चीज सोच कर चल रही हूँ। पार्टी बाद में है, पहले हिंदुस्तानी है। ओबीसी की लड़ाई लड़ने का आपका महत्व क्या है? ओबीसी की लड़ाई हमारी बहुत लंबी चलने वाली है और 11 तारीख को भी हमारा एक धरना प्रदर्शन होने जा रहा है, उसमें बहुत पूरे मैं तो कहती हूँ पूरे भारत के लोग उसमें शामिल होंगे और मैं और लोगों को भी कहती हूँ जो लोग हमारा साथ देना चाहते हैं जो इसमें इस लड़ाई में हमारे लोग निकल कर आएंगे उनका सबका स्वागत है और इस धरने को हम लोग कामयाब बनाएंगे। और ज्यादातर विभागों में 3 से ज्यादा वैकेंसी निकलती नहीं है कॉलेजों में, तो इसका मतलब ये हुआ एससी एसटी ओबीसी के लोग नहीं आ पाएंगे। और दूसरा ये जो अभी इतनी जल्दी में बिना किसी स्टडी के बिना कोई रिसर्च कराए बिना कोई कमीशन बनाए एकदम से बहुत जल्दबाजी में इन्होंने कैबिनेट में ला के पास करके और लोकसभा राज्यसभा का टाइम बढ़ा के एक एक दिन के अंदर इन्होंने जो 10% रिजर्वेशन जनरल कैटेगरी गरीबी के नाम पे जो किया है ये एक्चुअली बहुत बड़ा धोखा है। ये बेसिकली रिप्रेजेंटेशन है, ये रिजर्वेशन नहीं है, ये रिप्रेजेंटेशन है जो 24 सितंबर 1932 को बाबा साहेब के बीच और गांधी जी के बीच जो पूना पैक्ट हुआ था ये उसका नतीजा है कि भाई जो लोग पिछड़ गए जो कहीं मुख्यधारा में नहीं है उन लोगों को प्रतिनिधित्व मिलेगा, राजनीति में भी मिलेगा, नौकरियों में भी मिलेगा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में मिलेगा। तो बेसिकली प्रतिनिधित्व उन लोगों को जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड है। तो अब ये कोई गरीबी उन्मूलन का काम नहीं है, ये रिजर्वेशन ये रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन उनका कहना है कि जो आरक्षण दिया है वो उनका हक नहीं मारा गया, जो ओबीसी या एससी एसटी हक नहीं मारा गया 10%। आप ये बताइए जाके जरा आंकड़े निकाल के देखिए, पहले तो जो यूनिवर्सिटी में जो वैकेंसी निकली है उसको उठा के देख लो और अभी तक कितने लोग अलग अलग फोर्थ क्लास से क्लास वन तक सारे आंकड़े निकाल लो, ओबीसी को क्या मिला एससी एसटी को क्या मिला, उनको उनका हक तो मिला नहीं है, उनको तो आप लगातार मार रहे हो और ये एकदम तुरंत फर्क में 3 दिन के अंदर सब कुछ हो गया। जो जातियां सालों से आरक्षण मांग रही हैं आंदोलन कर रही हैं लाठियां खा रही हैं मुकदमे झेल रही हैं उनको तो नहीं मिला और एक झटके में तुम मतलब ये क्या लेके आ गए? तो ये सब जो धोखा है तो क्या ये बेसिकली अगर आप मेरी बात सुनिए आपने जो सवाल किया उसका जवाब दे रहा हूँ। आपको अगर गरीबी लोगों की दूर करनी है उसके लिए योजना बनाइए, उनको पैसा दीजिए, उनको उद्योग खुलवाइए, गरीबी उससे मिटेगी, गरीबी रिजर्वेशन लिख देने से नहीं मिटेगी। अगर इससे मिट जाते तो सारे शुल्क सब तक अमीर हो जाते। 31 जनवरी को जो मुहिम चल रही है आरक्षण विरोध की, 31 जनवरी को बहुत भारी मात्रा में पूरे देश से लोग इकट्ठे होंगे और यहाँ से मंडी हाउस से संसद मार्ग तक जाएंगे और इसके बाद पूरे देश में हर जिले में ये आंदोलन आगे बहुत मजबूती से चलेगा।